नमस्कार दोस्तों, डीआर क्लासेज बाय सोनू सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर देखेंगे वर्नियर कैलिपर्स के दो मुख्य प्रकार, जिसमें आज हम देखेंगे वर्नियर हाइट गेज एंड वर्नियर डेप्थ गेज। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारा इसके पहले का वीडियो ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जा करके हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं वर्नियर हाइट गेज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वर्नियर हाइट गेज दिखाया गया है, जिसमें आपको दिखाया गया है कि सबसे ऊपरी जो पैमाना है, इसको बोला जाता है मेन स्केल। यहाँ पर देखिए, ये आपका जो नेक्स्ट है, ये है आपका फाइन एडजस्टमेंट क्लैंप है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं ऊपर नीचे। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये हमारा स्लाइडर होता है, जो यह मुख्य स्केल पर पूरे पैमाने के साथ क्या कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये हमारा है वर्नियर स्केल, जो कि मेन स्केल पर क्या करता है, आपका ऊपर नीचे होता है। ये इसका बेस होता है, ये आपका मेजरिंग जा है, और ये होता है आपका फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो दोस्तों, होता क्या है कि जिस किसी भी वस्तु की हमें गहराई लेनी, ऊंचाई नापनी होती है, उसे हम मेजरिंग जा और बेस के बीच क्या करते हैं, फिक्स करके हम क्या करते हैं, फाइन एडजस्टमेंट क्लैंप के द्वारा उसको कस देते हैं। और कसने के बाद, जैसे हमने वर्नियर स्केल देखा था इसके पहले, ठीक उसी तरीके से इसके माप की गणना क्या कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये था वर्नियर हाइट गेज का मुख्य नेम या मुख्य भाग। आइए देखते हैं दोस्तों, इसका और क्या क्या उपयोग होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो वर्नियर हाइट गेज होता है, यह एक आपका मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका प्रयोग जो होता है, कार्यशाला में जॉब बनाते समय उसकी ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। नंबर तीन है दोस्तों, इसके द्वारा मार्किंग करते समय हम एक ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। नंबर चार है दोस्तों, इसका जो अल्पतमांक होता है वह 0.02 mm होता है, और यह दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज, और दूसरा होता है आपका एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा क्या वर्नियर हाइट गेज। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वर्नियर डेप्थ गेज। तो देखिए दोस्तों, जो वर्नियर डेप्थ गेज है, यहाँ पर दिखाया गया है, उसके मुख्य भाग आप देख सकते हैं। इसमें देखिए, ऊपर की ओर आपका मेन स्केल है, इधर आपका फाइन एडजस्टमेंट क्लैंप है, ये आपका वर्नियर स्केल लगा हुआ है, ये आपका बेस है। और दोस्तों देखिए, जो है नीचे की ओर आप देख सकते हैं कि ये जो स्केल है, हमें जिस वस्तु की भी गहराई लेनी होती है, इस स्केल को उसके ऊपर रख देते हैं, और ये स्केल नीचे तक जाता है, और जितना नीचे तक जाता है उसकी गहराई हम क्या कर लेते हैं, माप लेते हैं। और जैसे हमने वर्नियर स्केल की गणना की थी, ठीक उसी प्रकार से इस जॉब की भी माप क्या कर लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं इसका क्या क्या उपयोग है। तो देखिए जो दोस्तों, जो वर्नियर हाइट गेज होता है, इसका प्रयोग किसी जॉब की गहराई या उसके बोर की लंबाई निकालने के लिए किया जाता है। इसका भी अल्पतमांक 0.02 mm होता है, और आपने देखा कि वर्नियर डेप्थ गेज के हेड में ही एक बेस जुड़ा होता है, जो बेस जुड़ा होता है वर्नियर हेड के में, हेड डेप्थ गेज में ही जुड़ा होता है। नंबर चार दोस्तों, हेड के साथ एक फाइन एडजस्टमेंट यूनिट लगा होता है, जिसको किसी भी स्थान पर लॉक करने के लिए क्लैंपिंग स्क्रू लगा होता है। अभी हमने आपको देखा दोस्तों, यहाँ पर चित्र के माध्यम से हमने आपको दिखाया था कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपका लगा हुआ है, ये आपका बेस है, और इसके अंदर जो ये वाला भाग है, यही इसके अंदर जाता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु की माप ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमने कल देखा था वर्नियर स्केल, और आज हमने देखा वर्नियर स्केल के दो मुख्य प्रकार। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए माइक्रोमीटर। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो फिटर थ्योरी है, उसके मल्टीपल च्वाइस टाइप्स क्वेश्चन और जो इसकी थ्योरी है, वो कंप्लीट करा दें। धन्यवाद।